गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में करने के लिए, सॉरी क्लास वर्क में करने के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, जिनसे बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनसे नहीं बने हैं उनके लिए हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे पूछा क्या गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसमें ये बताना है कि जो गिवन नंबर है उसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर है हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 512 क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में दिया गया है 512। तो हम सबसे पहले 512 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। 512 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, देन 128, देन 64, देन 32, देन 16, देन 8, देन 4, 2 एंड 1। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स को स्प्लिट करके लिखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 512 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग देखेंगे। तो ये दोनों 2 पेयर में हैं, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर, सिर्फ ये 2 है जो क्या है, अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इसका पेयर हमें चाहिए है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 512 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो 512 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और हमें 2 का एक पेयर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 512 विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं, आप लोगों से बन जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि कौन से लीस्ट नंबर से हम गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है 1575। तो हम क्या करेंगे 1500 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी करेंगे क्या, 1575 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1575 इसको हम किससे करेंगे, देखेंगे ये किससे, 3 से चला जाएगा। तो 3 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 525, ये फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 175, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 35, फिर 5 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हम इसको इस फैक्टर्स में स्प्लिट करके लिख लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7। तो ये 3 पेयर में है, ये 5 भी पेयर में, लेकिन ये जो 7 है वो कैसा है, अनपेयर है। ठीक है, तो 1575 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1575 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग बाय 7 1575 विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में देखेंगे हम द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीज़न। हमें दिया गया है ऑलरेडी कि जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें ये बताना है कि इनका रीज़न क्या है। तो हम देखेंगे कि जो ये नंबर दिया गया है उसके वंस डिजिट पे हमें कितना दिया गया है 7 दिया गया है, यहाँ यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है और यहाँ भी 3 दिया गया है। ठीक है, अब जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में क्या पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे नंबर जिनके वंस डिजिट पर क्या आ जाए 7 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे,
दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द वंस द यूनिट प्लेस हैज़ 7, 8, 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कौन से स्क्वायर्स जो हैं वो इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ कि हमने इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4, 3 में पढ़ा था, स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टीज थी, परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी इवन होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो 36 है वो क्या है, इवन है, इसीलिए ये स्क्वायर है इवन नंबर का। ठीक इसी तरीके से 256 जो है वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 256 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर का। इसी तरीके से हम देखेंगे 1296 है तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है एक इवन नंबर का, इवन नंबर के स्क्वायर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे डी, तो डी क्या है, 6561। तो हम देखेंगे कि 6561 जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो हमने जैसा कि पढ़ी रखा है कि जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो इवन होता है, तो इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड नहीं हो सकता, इसीलिए 6561 इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। हमसे क्या पूछा गया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं उनमें से ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा। जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन होता है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड। ठीक है, तो हम देखेंगे जो 49 है ये क्या है, एक ऑड नंबर, तो ये स्क्वायर होगा किसका, ऑड नंबर का। ठीक इसी तरीके से 169 जो है वो भी क्या है, एक ऑड नंबर, तो ये भी स्क्वायर होगा किसका, एक ऑड नंबर का। फिर 225, तो 225 जो है वो भी एक ऑड नंबर है, इसीलिए वो भी एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। लेकिन जो 900 है वो क्या है, एक इवन नंबर, इसीलिए वो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये बताना है कि इन नंबर के स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगी। तो इसमें हम देखेंगे क्या है, 1, तो सबसे पहले इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 1, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। ठीक इसी तरीके से यहाँ 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे कितना दिया गया है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लेकिन 25 में से हम सिर्फ इसकी वंस प्लेस निकालेंगे क्योंकि यही वंस प्लेस पे आएगी, तो इसका जो स्क्वायर आएगा उसकी वंस प्लेस पे क्या पाया जाएगा, 5। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ 23,904 में इसकी वंस प्लेस क्या है, 4, तो हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, 16। लेकिन 16 में से हम सिर्फ 6 लेंगे तो इसके स्क्वायर की वंस प्लेस पे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 731 की यूनिट के स्क्वायर की यूनिट प्लेस कितनी होगी, 1। 8593 के यूनिट प्लेस की वैल्यू होगी 9। और 39065 की जो यूनिट प्लेस होगी वो कितनी होगी, 5। और 23904 की जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी, 6। ठीक है, ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ठीक है, क्या दिया गया है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। तो हमें यहाँ दिया गया है कि 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, हमें इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बताना है और हमें इसको कहाँ भरना है, इस बॉक्स में भरना है। तो इसको अगर हम स्क्वायर निकाल के सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि यहाँ दी गई है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये दी गई है प्रॉपर्टी, एक मिनट। तो हम अगर वैसे करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी थी ना, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी नंबर 6, उसमें हमने क्या पढ़ा था, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, रेगुलर के नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ 1, 1 के बाद 2 आता है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो उनका जो डिफरेंस होता है, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, वो किसके बराबर आता है? इक्वल्स टू देयर सम। किसके बराबर आता है? उनके सम के बराबर। जैसे यहाँ दिया गया है एन स्क्वायर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन। तो यहाँ हम देखेंगे ये एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा वन। तो वन को हम एन प्लस वन प्लस एन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एन प्लस वन प्लस एन। सिमिलरली यहाँ हम देखेंगे कि 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 14 प्लस 13, मतलब इन दोनों का सम तो कितना आ जाएगा, 27। इसी तरीके से हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया था कि हमें फाइंड करना है कि इसमें क्या आएगा। अगर हम 18 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो इसको ईजी वे है इसको सॉल्व करने का क्या, कि हम क्या कर दें, 18 प्लस 17 कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 18 और 17 को प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। सिमिलरली यहाँ दिया गया है 551 माइनस 550, ये भी हम देखेंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं तो हम इनका अगर हमें स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो 551 प्लस 550 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1101।